जिला मुख्यालय अनूपपुर का रेलवे फाटक अब लोगों के लिए नासूर बन गया है। प्रशासन को आम जन की तकलीफों से कोई सरोकार नहीं है। लगातार अनदेखी, झूठे आश्वासन से बार बार भूमि पूजन करके नौटंकी खेल रचा जा रहा है। साथ ही मेजर श्रीराम कंस्ट्रक्शन द्वारा कार्य प्रारंभ 16 अगस्त 2021 का बोर्ड रेलवे फाटक के पास लगाकर आमजनों को गुमराह कर रहा है, जिस पर जनता की परेशानियों को देखते हुए पूर्व विधायक रामलाल रौतेल नगर के जागरूक लोगों से अपील की है कि 16 मार्च की दोपहर 2 बजे उत्कृष्ट विद्यालय अनूपपुर के पास एकत्रित होकर काम शुरू के लिए मुख्यमंत्री के नाम अनुरोध पत्र ज्ञापन कलेक्टर अनूपपुर को सौंपा जाएगा। पूर्व विधायक रामलाल रौतेल ने बताया कि जिला मुख्यालय अनूपपुर के रेलवे फाटक बंद होने पर आवागमन में आम जनों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। एक दिन में लगभग 16 घंटे फाटक बंद रहता है। जनभावना एवं आवश्यकता अनुसार मैंने अनुरोध पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 6 अगस्त 2016 को अनूपपुर में आयोजित आम सभा में रेलवे ओवरब्रिज निर्माण की घोषणा की। घोषणा के अनुपालन में राज्य शासन ने 14 दिसंबर 2016 को प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान कर दी। 8 मई 2017 को तत्कालीन प्रभारी मंत्री के मुख्य अतिथि एवं मेरे अध्यक्षता में भूमि पूजन संपन्न हुआ। भूमि पूजन के बाद काम भी शुरू हो गया था। कुछ लोगों ने मुआवजा की मांग की। राज्य शासन ने 7,27,06,590 रुपए की राशि भी प्रदान कर दी। सितंबर 2020 में कार्य शुभारंभ हेतु मुख्यमंत्री ने पूजा अर्चना भी किए, लेकिन आज तक काम शुरू नहीं हुआ है। मेजर श्रीराम कंस्ट्रक्शन द्वारा कार्य प्रारंभ 16 अगस्त 2021 का बोर्ड रेलवे फाटक के पास लगाकर आमजनों को गुमराह करते हुए शासन को बदनाम करने का प्रयास है। विभाग सिर्फ पत्राचार कर खाना पूर्ति कर लेता है, जबकि आम जनता को रेलवे ओवरब्रिज अनूपपुर की आवश्यकता है।